क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यहीं रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ के। सर, पैरा 4 माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर, इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी 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 लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर, लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे, देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर, मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोली से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है, बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं, और बहुत बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया, बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर। माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार चार पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है, अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार काम दमदार, अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, दो बेटियां थी, माता पिता एक हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए, उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का? ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सकती है। सर, समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है सर, मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है, बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना,
लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है। वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई है केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, देन डेमोक्रेसी एवरीवेयर इज डिस्ट्रॉयड एंड एवरीबॉडी विल सफर। आज भूपेन जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी, मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे ही हैज टू राइट अनदर बुक फॉल ऑफ बीजेपी। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना, प्रोफेसर जी सुनने में बहुत अच्छा लगता। आपका टाइम सर मैं बस एक आध दो मिनट लूंगा, उसे ज्यादा नहीं। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है, ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं, कहां से देशद्रोह का मामला आ गया। सर अब मैं एक एक करके खत्म ही करूंगा, मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं। सर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है विमर्श, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, एक मिनट और लूंगा, एक डेढ़ मिनट, फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। सर गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न की, अन्न का भंडारण आपको है लेकिन हासिल क्या है। 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भुखमरी पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है, पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर बिहार इसमें आता है या नहीं, या बिहार से 39 सांसद ले लिए बिहार का काम खत्म। सर मैंने पहले भी कहा था अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है, लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है, बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया, उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक रहबरी के सवाल में, घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में, कि दिल्ली की नीति और नियत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर एक ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में, मेरे दोस्त मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है,
जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात कंक्लूड कर कहा है कि नॉर्मेलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़े। और आखिरी में सर, चौथा प्लीज प्लीज कंक्लूड, 30 सेकंड सर। नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी।